गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज योर इंग्लिश लिटरेचर क्लास फॉर क्लास सेकेंड. सो टेक आउट योर बुक, पेंसिल, इरेजर एंड नोटबुक. सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैड कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 2. वी ऑल्सो डन द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. सो इन टूडे क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. So take out your book and come on page number 11. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे previous chapter में हमने क्या किया था, difficult words लिखा था ना, तो वो हम क्या करेंगे, आप अपनी notebook निकालिए और उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, difficult words इस chapter का लिखेंगे. ठीक है, तो English literature की notebook आपने निकाल ली है, चलिए निकालिए. अब हम क्या करेंगे, न्यू पेज पे आज की डेट लिखेंगे. ठीक है, आज की डेट आपकी क्या है, 29 है. ठीक, 29 आप लिखोगे और उसके बाद से डेट लिखनी है, फिर चैप्टर लिखेंगे, चैप्टर 2, फिर चैप्टर का नाम ए स्ट्रेंज जू. ये हो गया चैप्टर का नेम. ठीक है, तो अब ये तो हो गया, फिर वन लाइन लीव करके आप लिखेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स. सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने हैं. ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. डिफिकल्ट वर्ड्स लिखना कैसे लिखेंगे, जो रेड लाइन है उसके लेफ्ट साइड में आप नंबरिंग करेंगे 1. तो फर्स्ट सम डिफिकल्ट वर्ड क्या लिखेंगे, संडे. क्या लिखेंगे, संडे, SUNDAY, संडे, SUNDAY, संडे. सेकेंड क्या होगा, स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज. थर्ड पे लिखेंगे हम एवरीथिंग, EVERY, एवरी THING, थिंग, एवरीथिंग, EVERY, एवरी THING, थिंग. ठीक है, एवरी थिंग. फोर्थ देखते हैं, फोर्थ नंबर पे हम लिखेंगे डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट. ठीक है, फिफ्थ पे हम लिखेंगे जिराफ, GIRAFFE, जिराफ, GIRAFFE, जिराफ. सिक्स लिखेंगे शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट. ठीक, SHORT, शॉर्ट. सेवन आप लिखेंगे मंकीज, MONKEY, मंकी. ठीक, एट आप लिखेंगे स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग. नाइन्थ लिखेंगे क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल. टेन लिखेंगे क्लाइंबिंग, CLIMBING, क्लाइंबिंग, CLIMBING, क्लाइंबिंग. हो गया, चलिए नेक्स्ट 11 पॉइंट पे लिखिए आप फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग.
flying, flying. Sitting, sitting, sitting. 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 हो गया. अब नेक्स्ट लिखिए आप पेंगुइन्स. penguins. पेंगुइन्स. penguins. पेंगुइन्स. 14 लिखिए चिल्ड्रन. children. चिल्ड्रन. children. चिल्ड्रन. 15 पे लिखेंगे amazed. 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 फिर 16 हम करेंगे 16 पे लिखेंगे साइट. sight. साइट. ठीक. फिर 17 लिखेंगे एवरीथिंग. एवरीथिंग तो हो गया है आपका. एक बार एवरीथिंग आपने कर लिया है तो आप लिखिए डिफरेंट. डिफरेंट भी आपका हो गया है. एनीथिंग करते हैं anytching. एनीथिंग. anytching. एनीथिंग. 18 लिखिए मैजिकल. magical. मैजिकल. magical. मैजिकल. 19 करिए. 19 लिखिए फॉलन. fallen. फॉलन. fallen. 20 लिखेंगे और लास्ट चाहिए ड्रीमिंग. dreaming. ड्रीमिंग. dreaming. ड्रीमिंग. तो ये आपका डिफिकल्ट वर्ड था. चलिए एक बार और इसको प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं. फर्स्ट क्या है संडे. मेरे साथ बोलिए संडे. स्ट्रेंज. एवरीथिंग. डिफरेंट. जिराफ. शॉर्ट. मंकी. स्विमिंग. क्रोकोडाइल. क्लाइंबिंग. फ्लाइंग. सिटिंग. पेंगुइन्स. चिल्ड्रन. अमेज्ड. साइट. एनीथिंग. मैजिकल. फॉलन. ड्रीमिंग. ठीक है. तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स आपका हो गया. अब हम क्या करेंगे इसके बाद से. हम तो क्या किए थे प्रीवियस वीडियो में. हमने प्रीवियस चैप्टर में फर्स्ट में क्या किया था. वर्ड मीनिंग किया था. क्या किया था. वर्ड मीनिंग. तो हम अब क्या करेंगे. वर्ड मीनिंग लिखेंगे. मान लीजिए आपके इस पेज पे जगह होगी तो आप करेंगे. अदरवाइज आप न्यू पेज पे अपना लिखना शुरू करेंगे. ठीक है. वर्ड मीनिंग. न्यू पेज पे आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे. तो वर्ड मीनिंग कैसे लिखेंगे. देखिए वर्ड लिखना है फिर मीनिंग लिखना है. ठीक है. और उसके बाद से हमको लेफ्ट साइड में वर्ड्स को लिखना है और उसका मीनिंग राइट साइड में लिखना है. फर्स्ट क्या है हमारा. स्ट्रेंज. strange. स्ट्रेंज. स्ट्रेंज मतलब क्या होता है. unusual. अनयूजल. unusual. अनयूजल. सेकेंड है अमेज्ड. amazed. अमेज्ड. अमेज्ड से क्या होगा. सरप्राइज्ड. surprised. सरप्राइज्ड. थर्ड है आपका डिफरेंट. different. डिफरेंट. इसका मीनिंग क्या होगा. not. the. same. as. not the same as. ठीक है. थर्ड है मैज. फोर्थ है आपका मैजिकल. magical. मैजिकल. मैजिकल का क्या होगा. सुपर नेचुरल. super. natural. नेचुरल. तो क्या हो जाएगा. सुपर नेचुरल. ठीक. लास्ट है वर्ड मीनिंग है ह्यूज. hugh. ह्यूज. ह्यूज का मीनिंग क्या होगा. बिग. big. बिग. ह्यूज का क्या होगा. बिग. ठीक है. तो स्ट्रेंज मतलब क्या होता है. जो आप कभी देखे नहीं हो अचानक से सबसे अलग होता है उसको हम स्ट्रेंज कहते हैं. अनयूजुअल कहते हैं.
अमेज मतलब क्या हुआ, जिससे वो आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएं। अमेज मतलब सरप्राइज, मतलब जिसको देख के आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है डिफरेंट। डिफरेंट मतलब सबसे अलग, एक जैसा जो नहीं होता उसको हम डिफरेंट कहते हैं। मैजिकल मतलब सुपर नेचुरल, जो प्राकृतिक जो मैजिक होता है, जादू होता है, उसको कहा जाता है। ह्यूज मतलब बिग, बड़ा। ठीक है, फिर इसके बाद से नेक्स्ट है आपका आंसर द क्वेश्चंस। क्या है आंसर द क्वेश्चन? तो आप कॉपी में लिखोगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन वन आप लिखोगे, क्वेश्चन वन लाइन लिख करके। क्वेश्चन वन क्या है, वेयर डिड निशा एंड रोनित गो? निशा और रोनित कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे, ये पूरा चैप्टर ही उसी पे है। कहाँ गए थे? जू गए थे, चिड़ियाघर गए थे। तो हम लिखेंगे निशा एंड रोनित गो टू द जू। निशा एंड रोनित गो टू द जू। ठीक है, सेकेंड है व्हाट वॉज स्ट्रेंज विद द फॉलोइंग? इस सभी के साथ क्या स्ट्रेंज हुआ, मतलब क्या अलग चीजें आपको दिखी? तो फर्स्ट क्या है, जिराफ। तो जिराफ के लिए आपने क्या देखा था, इस जिराफ की नेक जो गर्दन होती है लंबी होती है, लेकिन उस जू में क्या था, वो जिराफ की गर्दन क्या थी, छोटी। तो हम लिखेंगे द जिराफ वॉज हैविंग अ शॉर्ट नेक। तो जिराफ के पास कैसा नेक था, शॉर्ट नेक, छोटा गला था, छोटा गर्दन उसकी थी। ठीक है, सेकेंड है मंकीज। मंकीज का क्या था, ये तैर रहे थे स्विमिंग पूल में। तो लिखेंगे द मंकीज वर स्विमिंग इन द पूल। द मंकीज वर स्विमिंग इन द पूल। ठीक है, फिर थर्ड है आपका क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या कर रहे थे, ये पेड़ पे चढ़ रहे थे। तो लिखेंगे द क्रोकोडाइल वॉज क्लाइंबिंग। देखिए क्लाइंबिंग CLIMBING, साथ ही में यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन आपका रहेगा तो आप एक साथ लिखोगे क्लाइंबिंग अ ट्री, मतलब क्रोकोडाइल जो है पेड़ पे चढ़ रहे थे। ठीक है, डी है कैमल। कैमल का क्या था, ये ब्लू कलर का था। तो कैमल वॉज ब्लू इन कलर, ये नीले कलर, जबकि किस कलर के होते हैं, ब्राउनिश फॉर्म कलर में होते हैं वो। ई है पेंगुइन्स। पेंगुइन्स में क्या था, ये क्या कहते हैं, ये उड़ती नहीं है लेकिन उस चिड़ियाघर में ये उड़ रही थी। तो क्या लिखेंगे, द पेंगुइन्स वर ह्यूज एंड दे कुड फ्लाई। जो पेंगुइन्स थी वो बड़ी थी खूब साइज में और ये उड़ रही थी। नेक्स्ट है फिश। तो फिश क्या थे, फिश पानी में रहती हैं लेकिन इस जू में क्या था, वो हवा में उड़ रही थी, पेड़ पे बैठी हुई थी। तो लिखेंगे द फिश वर फ्लाइंग इन द एयर एंड सम वर सिटिंग ऑन द ट्रीज। मतलब कुछ जो है एयर में उड़ रही थी और कुछ जो है पेड़ों पे बैठी हुई थी। जी है लॉयन। लॉयन के लिए क्या बताया गया है, लॉयन तो मांस खाता है, मीट खाता है, लेकिन यहाँ पे वो क्या खा रहा था, घास खा रहा था। तो लिखेंगे था लॉयन वॉज ईटिंग ग्रास। द लॉयन वॉज ईटिंग ग्रास। ठीक, एच है रैबिट। क्या है, रैबिट। तो रैबिट के लिए क्या था, रैबिट तो एक नॉर्मल साइज में, छोटे साइज में होता है, स्मॉल एनिमल में आता है, लेकिन यहाँ पे जो रैबिट था वो बहुत बड़ा था। तो हम लिखेंगे द रैबिट वॉज ह्यूज। द रैबिट वॉज ह्यूज। देखिए आप सबका पिक्चर यहाँ पे दिया, ये रैबिट बड़ा है, फिर लॉयन क्या खा रहा है, घास खा रहा है, यहाँ पे देखिए मछलियाँ उड़ रही हैं और पेड़ों पे बैठी हैं, कैमल ब्लू कलर का है, पेंगुइन उड़ रही हैं, फिर जिराफ का नेक छोटा है, यहाँ मंकी स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं और क्रोकोडाइल क्या कर रहे हैं, पेड़ों पे चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक, एक बार और आप इन चीजों को देख लो, फिर हम आगे एक्सरसाइज करते हैं, देख लीजिए और प्लीज नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप लिखिएगा, ताकि अपनी राइटिंग आप अच्छी बना सके, राइटिंग गंदी मत कीजिएगा। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा एक्सरसाइज क्या है। ये आपने कर लिया, यही मैंने कॉपी में कराया, इसी को यहाँ पे लिखा गया है, तो आप बुक में भी उसे फिल कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्या है, इट वॉज अ स्ट्रेंज। ये एक बहुत अद्भुत क्या था, चिड़ियाघर था। तो लिखेंगे जू, जेड डबल ओ जू। सेकेंड है एवरीथिंग इन इट वॉज सो डेंस। यहाँ पे जो भी चीजें थी, हर एक चीज क्या थी, एकदम
अलग थी। तो अलग को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, डिफरेंट, डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी, डिफरेंट, डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी, डिफरेंट। थर्ड है बोथ द चिल्ड्रेन वर डैश एट दिस साइट, दोनों ही बच्चे वहां के नजारे को देख के क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, जिसको हम लिखेंगे अमेज्ड, ए एम ए जेड ई डी, अमेज्ड, ए एम ए जेड ई डी, अमेज्ड, ठीक है। फोर्थ है रोनित वॉज सिटिंग ऑन हिज डैश, रोनित कहाँ बैठा था, तो वो कहाँ बैठा था, अपने बेड पे, तो लिखेंगे बी ई डी, बेड, ठीक है। फिफ्थ है ही हैड बीन डैश ऑल दिस टाइम, और वो पूरे समय क्या कर रहा था, सपना देख रहा था, तो हम क्या लिखेंगे, ड्रीमिंग, डी आर ई ए एम आई एन जी, ड्रीमिंग, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट फिलअप क्या है, जू, सेकेंड डिफरेंट, थर्ड अमेज, फोर्थ बेड, फिफ्थ क्या है, ड्रीमिंग, ठीक। अब डी देखते हैं, डी क्या है, मेक द सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखिए, अब मैं ये आपको पूरा कराऊंगी नहीं, मैं ये आपको होमवर्क दूंगी और जब मैं पीडीएफ भेजूंगी तब मैं इसमें पूरा फिल करके आपको भेजूंगी, लेकिन अभी मैं एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट आपको बता दे रही हूँ। देखिए आप ऐसे नहीं सेंटेंस बना पा रहे हैं, इस वर्ड्स को लेते हुए सेंटेंस बनाना है, तो आप चैप्टर के अंदर से भी देख के जो ईजी लगे आप कर सकते, जैसे स्ट्रेंज है, तो स्ट्रेंज, स्ट्रेंज के लिए क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इट वॉज अ स्ट्रेंज जू, क्या लिख सकते हैं, इट वॉज अ स्ट्रेंज जू, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस पे स्ट्रेंज आ रहा है ना, वैसे ही आपका वो वर्ड आना चाहिए। जैसे देखिए ड्रीमिंग है, तो ड्रीमिंग में क्या कहते हैं, ही हैड बीन ड्रीमिंग ऑल दिस टाइम, या अपने ही कर सकते हैं, तो ये चीज, कोई अलग सेंटेंस भी आप बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप बुक के ही सेंटेंस को बनाएं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये होमवर्क होगा, आपको सेल्फ ये करना होगा, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वोकैब वैली में क्या दिया है, क्या दिया है, राइट ए एन और द एज रिक्वायर्ड, यहाँ पे ए एन और द का यूज करना है, तो ए का यूज कब करते हैं हम, कॉन्सोनेंट, जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तब हम ए का यूज करते हैं, तब हम ए का यूज करते हैं, और एन का जब वो वॉवेल से स्टार्ट हो, और द का कब यूज करते हैं, जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई मॉन्यूमेंट का नाम हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, डैश बैलून, तो ये क्या है, बी है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बैलून। सेकेंड आई है, आई में क्या दिया है, वॉवेल दिया है, तो हम क्या लगाएंगे, एन, ए एन 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 आई। अर्थ में भी ई वॉवेल है, तो वॉवेल के लिए क्या यूज करेंगे, एन, ए एन 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 अर्थ। फोर्थ क्या है, फ्लावर, फ्लावर के आगे क्या है, एफ है, जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ए। हॉस्पिटल में एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ए हॉस्पिटल। सन, सन एस तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये एक नेचर में चीजें है जिसको हम नहीं निर्मित किए हैं, ये क्या यूनिवर्सल है, तो ये क्या हो जाएगा, द सन, टी एच ई द सन। डैश ताजमहल, तो ये भी एक मॉन्यूमेंट का नाम है, तो हम क्या लिखेंगे, द ताज महल। एनिमल, ए एन एनिमल, एन एनिमल। ओल्ड मैन, तो यहाँ पे ओ है वॉवेल, तो हम लिखेंगे एन ओल्ड मैन। डैश सोल्जर, तो ए सोल्जर, क्यों, क्योंकि एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक। तो ये हो गया आपका, करेक्ट द सेंटेंसेस बाई यूजिंग ए एन और द एज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे भी ए एन और द का यूज करना है, तो देखिए सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये तो ठीक है, लेकिन सन के आगे हम क्या लगा सकते हैं, ये नेचुरल थिंग है, यूनिवर्सल है, तो हम क्या लगाएंगे, द, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑरेंज इज सोअर, ऑरेंज कैसा है, खट्टा है, तो ओ क्या है, वॉवेल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन ऑरेंज इज सोअर। शी ईट्स बनाना, तो शी ईट्स ए बनाना, क्या लिख सकते हैं, ए बनाना। अर्थ मूव अराउंड सन, तो लिखेंगे अर्थ मूव अराउंड द सन, ठीक। ही ईट्स एप्पल डेली, ही ईट्स
एन एप्पल, एन एप्पल डेली. माई अंकल केम बाई कार, माई अंकल केम बाई द कार. ठीक है, बाई अ कार, सॉरी क्या लिखेंगे, बाई अ कार, ए कार. ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया. ठीक, अब आपको होमवर्क में क्या करना है, इसमें एक द सेंटेंसेस को करना है और इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, चैप्टर टू. ठीक है, अपने नोटबुक में आप अच्छे से कीजिएगा इस वर्क को और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में जो चीज़ें मैंने नोटबुक में दिखाई हैं वो आपको नोटबुक में ही करना है और जो बुक में फिल कराई है वो बुक में. ठीक, और इसका पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड हो जाएगा, आप वहाँ से एक बार इसको फिर से करेक्शन, अपना कुछ गड़बड़ हो या नहीं चीजें क्लियर हो तो वहाँ से आप देख सकते हो. ठीक है, सो आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू.